व्हाट्स अप गाइस, आज हम ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य है। चलिए जानते हैं कि इस राज्य में आखिर ऐसा क्या है जो हर बार चर्चा का विषय रहता है। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जो कि 243,270 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राज्य की आबादी लगभग 20 लाख है। यह राज्य आबादी के लिहाज से सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के विश्वास रखने वालों के लिए विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वाराणसी के सब छोटे मोटे मंदिरों को मिलाकर 2000 से भी ज्यादा मंदिर है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक शहरों में से एक है। ये शहर अपने लबीब खाने और घूमने की जगहों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बड़ा इमाम बड़ा और छोटा इमाम काफी प्रसिद्ध है। एशिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक जैनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ शहर का काफी प्रसिद्ध पार्क है। इस राज्य को 1927 में ब्रिटिश रूल के दौरान बना लिया गया था और इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। बाद में आजादी के बाद 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 1836 से लेकर 1858 तक इस प्रदेश की राजधानी आगरा रही। 1858 से इलाहाबाद और 1925 से इस राज्य की राजधानी लखनऊ हो गई। आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश राज्य ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रदेश में 100 से भी ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स ने जन्म लिया। सबके नाम बताने इस वीडियो में पॉसिबल तो नहीं है। इनमें से कुछ नाम मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, मौलवी लियाकत अली, इनके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, राव कदम सिंह जैसे सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। जैन और बौद्ध धर्म के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गुजारे थे। उत्तर प्रदेश से हमें भारत के लिए 8 प्रधानमंत्री मिले हैं। इनमें से पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल है। इसके अलावा कानपुर के रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के पहले नागरिक है जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अगर बात करें बॉलीवुड की तो अमिताभ बच्चन, दिशा पट्टानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कई स्टार्स ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है। दोस्तों, घूमने के लिए उत्तर प्रदेश एक अच्छी जगह है, जैसे कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। दुनिया का सबसे ज्यादा छात्रों वाला विद्यालय उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ये विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। यहाँ पे 52,000 बच्चे और स्टाफ मेंबर्स है। इसका नाम गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम मोटिवेट हो सके। इससे हमें आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।